16 दिन से सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों के फंसने के बाद उनके परिवारजनों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन परिवारजन के साथ पूरा देश सभी मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। वहीं इस सुरंग में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले 22 साल के मंजीत भी फंसे हैं। मंजीत के पिता चौधरी अपने बेटे के सुरंग में फंसे होने को लेकर काफी परेशान हैं। मंजीत के पिता नहीं चाहते कि अब उनका बेटा सुरंग में काम करे, क्योंकि उनके पिता अपने 23 वर्षीय बेटे दीपू को पहले ही खो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा दीपू मुंबई में पुल बनाने के काम में था, जहां उस पर निर्माण सामग्री गिरने से मृत्यु हो गई। चिंता खुद की है, बताते हैं सब। यहाँ यहाँ आप तो 41 जने परेशान हैं, 41,000 पीछे खड़े हैं, वो भी परेशान हैं। और कितनी जल्दी आप आ जाओ तो कोई देरी नहीं मानी जाएगी। जल्दी आप निकलोगे कि देर जितनी लग गई हो देर नहीं मानी जाएगी। जब आपका बेटा रेस्क्यू होकर बाहर आएगा जी, आप फिर चाहेंगे कि वो टनल में काम करे या इसी तरह के काम में रहे या ये पेशा बदल दे कुछ और? हम कहते हैं बदल कर अपने घर पर रहे, हम जाएंगे जहाँ करना है हम जाएंगे। अच्छा, घर पे रहे? हाँ, ये घर पर रहे और हम किसानी उसानी का काम करेंगे, मजदूरी तो जो तुम्हारे करे होता है वो कीजिए। मतलब अब आपसे दूर ना रहे? हाँ, हमसे नजदीक रहे, बनाए रखे, दूरी ना बनाए, जो कि एक बेटा हम खो चुके हैं आपके जैसा। अच्छा। हाँ, वो भी बहादुर था, बंबई में इंस्पायर हुआ था। क्या हो गया था? वो ब्रिज का काम पुलका कर रहा था और नीचे कुछ उठाने लगा, ऊपर से बंडल जो उनके साथी थे घर के, हमारे परिवार के थे, रिश्तेदार साथ में थे लड़के, ऊपर से बंडल छोड़ दिया या धोखे से गिरा, उसी से उसकी। क्या नाम था उसका? दीपू। कितने साल का था जब उनकी मौत हुई थी? लगभग 22-23 का था। ये दूसरा आखिरी बेटा बचा। हाँ, हाँ, हाँ। ये आपकी इच्छा है या आपके बेटे की माँ की भी यही इच्छा है कि अब वो ये कामकाज ना करे? पूरे मोहल्ला की इच्छा है और पूरे घर की इच्छा, उनकी बहन की इच्छा, उनकी माता की इच्छा, हमारी भी इच्छा है ये ऐसी जगह ना जाए। काम तो आदमी इसलिए करता है कि गरीबी दूर हो, दूर हो, ये तो सब कोई सोचता है, लेकिन होनी को तार सकता है। वो काम नहीं करेगा तो कैसे उसका जीवन चलेगा? फिर क्या सोचा आपने? मैं सोचा वो जब बाहर निकलेगा, जब जैसा सोचेगा कि हम काम करना चाहते हैं, तो अगर उसकी इच्छा है नहीं मान रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज खेती पत्ती करे, पशुपालन करे, जीवन जी। हाँ, कोई अपना धंधा कर ले, दुकान वकान छोटी मोटी या कर ले, कैसे हो तो अपने गुजारा कर सकता है। और हमारा बेटा एक ही यही है, जो बड़ा था तो एक्सपायर हो गया, जो शादीशुदा था, हमारे खुशियां तो वैसे बिखर गई हैं। और एक आंखी से हम अंधे सर हैं, और दूसरी बात हम गाय पैर हाथ कब तक चलेंगे, 50 साल की उम्र हो चुकी है, हम तो कुछ कर खा लिया है, निकल बेटे कुछ कर खा लें।